8 बजे के अराउंड और हम रेडी हो चुके हैं. दिस इज माई आउटफिट एंड हम जा रहे हैं बारात के साथ. सो मास्क सब कुछ रेडी है. सो पीछे है रिच्चू, ये मामा की बेटी, और अब जाते हैं हम दूल्हे के घर क्योंकि मामा के घर आए थे. और इतना अजीब सा रास्ता है गाइज, उसमें हील्स में चलना बहुत टफ हो जाता है, बट स्टिल मुझे थोड़ी आदत है हील्स को कम्फर्ट करने की. सो चलिए मिलती हूँ आप सीधे आपके पास दूल्हे के यहाँ पे. और मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूरा व्लॉग आपके साथ शूट करूंगी और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ किस तरह का है. यहाँ पे हम जा रहे थे दूल्हे के घर. जैसे कि आपको पता है मेरी बड़ी मम्मी का घर जो है मेरे ननियाल की जो गांव है वहीं पर है गांव में. सो नजदीक ही है और यहाँ पे हम जा रहे थे कुछ सामान लेकर. और ये है मेरी बहन और इस रास्ते से मुझे हील्स में जाना था. जैसे ही हम दूल्हे के वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर दूध पिलाया जा रहा था दूल्हे को, बिकॉज भूखे रहना होता है, कुछ ऐसा रिवाज होता है दूल्हे और दुल्हन को. और यहाँ देख लीजिए अभी थोड़ा क्राउड शांत था क्योंकि सभी रेडी होने गए थे बारात के लिए जो जो जाना चाहते थे. और मॉर्निंग का टाइम था ये और धूप लग चुकी थी बहुत अच्छे से. और साथ ही साथ हम भी प्रॉपरली रेडी हो चुके थे. और आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ डेकोरेशन एंड ऑल और घर का, और जो कि बहुत अच्छा लगता है शादी में जो डेकोरेटेड हाउस होता है. और यहाँ देख लीजिए इस तरह से सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे. और आपको बता दूँ लॉकडाउन के बाद यह वाली जो मैरिज है ये ऐसी हुई थी जो जिसमें हम काफ़ी अच्छे से जो इनविटेशन भी हुआ था और सारी रस्में सारा चीज़ जो है प्रॉपर हुआ था. अदरवाइज़ कोविड के बाद तो बहुत मुश्किल से शादियाँ हुई है. सहराबंदी एंड ऑल सारी रस्में मामा के द्वारा पूरी कर दी गई थी. और यहाँ पर हमारा फोटोशूट स्टार्ट हो गया था और देख लीजिए. फाइनली जो है दूल्हे की गाड़ी को भी भेज दिया था, बारात जाने वाली थी और यहाँ पर सभी को एडजस्ट कर रहे थे कार में. और लुक एट द वेदर गाइज, अमेजिंग था और बहुत अच्छे से धूप खिली थी. और यहाँ पे हम भी निकल गए थे और साथ में थे भाभी जी. और यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना सुंदर व्यू है हमारे यहाँ पर. और देखने में ही सुंदरता आपको जैसे एक वीडियो ही बता देती है कि कितना ब्यूटीफुल होगा जब नेचुरल देखोगे. यहाँ मेरी दीदी और यहाँ मेरे भाभी जी जो मेरे बड़े वाले भैया जिनकी लॉकडाउन में शादी हुई थी उनके वाइफ, और ये दीदी है मेरी मासी की बेटी. सो हमने काफी इंजॉय किया. हम कार में बैठे थे और आगे भैया थे और एक दूसरे भैया थे मंजीत भैया. और यहाँ बारात का सिलसिला चल पड़ा था. ये पहले पापा की गाड़ी है, ये बारात की गाड़ियाँ ही थी. सो इस तरह से हमारी बारात चल पड़ी थी सराहन बुशहर शाहधार से स्नारसा झाखड़ी के नज़दीक है वहाँ के लिए. हमारा लोकल एरिया, लोकल सब्सक्राइबर्स को पता होगा. सो अमेजिंग था वेदर, सब कुछ अमेजिंग था. और थोड़ी टायर्डनेस हुई थी क्योंकि हमने पिछले रात भी इतना डांस किया था कि हमें बहुत पेन भी हो रही थी, थकावट थी. और यहाँ हम पहुँच गए थे डेस्टिनेशन में. यहाँ से हमें बारात लेके जाना था और कुछ ऐसा रास्ता था गाइज, यहाँ मेरी भाभी और दीदी और प्रॉपरली रेडी हो चुकी है. यहाँ भैया भी थे आगे आगे ही. आपको सारी बारात दिख रही है कुछ इसी तरह से गाजे बाजे के साथ बारात जा रही थी. नाश्ते सभी जा रहे थे. वो सामने जो रोड दिख रहा है आपको वहाँ NH है, इनका जो घर है वो NH 22 के नियर बाय ही है. सो हमें इतना चलना नहीं पड़ा. और यहाँ पर हम प्रॉपरली गाजे बाजे के साथ नाचते जाते हैं और दिखाती हूँ आपको. इंजॉय कीजिएगा एंड तक, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है और डांस आपको इसमें बहुत मिलेगा. यहाँ रस्में हो रही थी साली और जीजा की वेलकम की. सो मैं इतना ज़्यादा क्लिक नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत धूप लगी थी. और यहाँ हमने एंटर कर लिया था दुल्हन के हाउस में.
सो यहाँ पर देख लीजिए, हम जल्दी आ गए थे घर क्योंकि हमें वेलकम करना होता है दुल्हन का। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको बारात वाला, जो हमारे पास स्वागत के लिए मालाएं बनाई जाती है बादाम से, पहाड़ी बादाम से। और यहाँ पर मम्मी, बड़ी मम्मी सभी बैठे थे, और ये है अंकल जी और अंकल जी के मम्मी। सो सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, और थोड़ी देर में बारात भी आ गई थी क्योंकि नजदीक था जो भाभी जी का जो ससुराल है। सो यहाँ देख लीजिए, इस सॉरी जो भाभी जी का मायका है वो नज़दीक था। सो यहाँ पे पहुँच गए थे और सभी लोग स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए थे। और वहाँ का गाइस मैं शूट नहीं कर पाई, जो वेदी होती है, फेरे होते हैं हमारे, बिकॉज मैं जल्दी आ गई थी वापस शाम की प्रिपरेशन करने के लिए। सो इन्जॉय कीजिए, ऐसे वेलकम करते हैं हमारे यहाँ पे। और सारे रिचुअल्स छोटे छोटे होते हैं बट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फाइनली मैं आपको एक रिवाज और बताने वाली हूँ, जो दूल्हा और दुल्हन के मामा और मामी मामा होते हैं गाइज, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जो मामा होते हैं वो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं दूल्हा दुल्हन को। इसके बाद हमने बहुत डांस किया, बारातियों ने भी, हमने भी, और ये व्लॉग कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग आप जल्दी से जल्दी देख सको। सो टेक केयर गाइज। Thank you.
सारी क्लिप्स अभी पड़ी है बाकी और वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी, सो स्टे ट्यून्ड।